HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। वैसे कमाई के मामले में आज सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी खराब से भी खराब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमा लेती है, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसे सलमान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। 1996 में सलमान खान ने ये मजदार नाम की एक फिल्म की थी जो उनके कैरियर की सबसे फ्लॉप फिल्म है। सलमान के इस फिल्म के बारे में उनके फैंस भी बहुत कम जानते होंगे। एक वेबसाइट के मुताबिक इस फिल्म का कुल कलेक्शन 1.2 करोड़ यानी 1.20 करोड़ है। अब आप सोच रहे हैं कि आज सलमान की फिल्म एक दिन में 30 से 35 करोड़ रुपए कमाती है, उसी सलमान के इस फिल्म ने केवल 1.20 करोड़ ही कमाए। आपको बताते चले कि ये मजेदार फिल्म को इस्माइल श्रॉफ ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में सलमान के साथ मनीषा कोइराला और राहुल रॉय ने भी काम किया है।